संस्कार भारती के संस्थापक सदस्य कला ऋषि श्रद्धे पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी 10 जून को 98 वर्ष की आयु में देवलोक गमन कर गए हैं। स्वर्गीय बाबा योगेंद्र जी की आत्मिक शांति हेतु संस्कार भारती जालंधर की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्रकाशवती सर्वहितकारी विद्या मंदिर में किया गया, जिसमें संस्कार भारती पंजाब के कार्य अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि बाबा योगेंद्र जी ने अपना संपूर्ण जीवन कला और कलाकारों को समर्पित किया, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वहीं चंडीगढ़ से पधारे प्रदेश कोषाध्यक्ष गौरव पाठक ने बाबा योगेंद्र जी के जीवन पर प्रकाश डाला, जिसके बाद गुरविंदर सिंह मीडिया प्रमुख ने बाबा जी के साथ संस्मरणों को सबके साथ साझा किया। श्रद्धांजलि सभा में विद्या भारती से सुमेश लूथरा, राजेश शर्मा, वरिंदर बंटी, जतिंदर अरोड़ा, प्रधान मनदीप तिवारी, धर्म जागरण मंच के दयालाल, दिनेश भारद्वाज, पूनम भारद्वाज, जगदीश बावरा, गोपाल प्रसाद शर्मा, नीरज टंडन, कार्य अध्यक्ष अनिल तिवारी, श्रीमती प्रवीण तिवारी, श्रीमती पाठक, आर के धवन, रविंदर भारद्वाज, महेंद्र पाल ने भी स्वर्गीय बाबा योगेंद्र जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की, जिसके बाद जगदीश बावरा ने भजन और वंदे मातरम का गायन कर श्रद्धांजलि सभा का समापन किया। कला ऋषि पद्म श्री बाबा योगेंद्र जी की स्मृति में जेडे के 10 जून को देवलोक गमन कर गए हैं, इन्हों का जीवन कला को समर्पित रहा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को समर्पित रहा। ये कला संस्कार भारती की स्थापना करने तो पहला 1980 तो पहला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सेवा करते थे और परम पूज्य गुरु जी के बड़े नज़दीक थे और इन्होंने वख वख क्षेत्रों के विच अपना योगदान दिता और खुद एक बहुत कला साधक थे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इन्होंने कई बार मिलने का मेरा चांस होया। सुहासिनी सुमधुर वासिनी